मध्य प्रदेश के रीवा में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक मजदूर ने अपनी मजदूरी मांगी तो मुलजिम ने उसका हाथ ही काट दिया। अस्पताल के स्ट्रेचर पर लेटा ये शख्स अशोक साकेत है, जिसे अपनी मजदूरी का दर्दनाक इनाम मिला है। मुलजिम ने अशोक को उसकी मजदूरी देने के बजाय तलवार से उसका हाथ काट दिया। दिल दहला देने वाला ये वाकया रीवा के सिरमौर का है। यहाँ के डोलमऊ गांव में रहने वाले अशोक साकेत ने गांव के ही एक शख्स के यहाँ मजदूरी की, लेकिन सनीचर को अशोक अपने काम की मजदूरी लेने गया तो गणेश ने किसी बात से नाराज होकर उस पर तलवार से हमला कर दिया और उसका हाथ काट दिया। परिवार वालों ने अशोक को फौरन इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में दाखिल कराया। पुलिस के मुताबिक अशोक की हालत तश्वीशनाक बनी हुई है। प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई कर रहे हैं, उसका डीडी का बयान भी हो गया है हॉस्पिटल में, लेकिन डॉक्टर का कहना है कि इसके ब्लीडिंग ज्यादा हो गई है, इस कारण से इसके बचने के चांस कम है, फिर भी वो प्रयासरत है। फिलहाल मुलजिम फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।